जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परी बदर जमाल शहजादा सैफुल मुलूक, दियो, इस किस्म की बेशुमार रिवायात इस इलाके के साथ मंसूब हैं। बेसिकली इसे बोलते हैं केव सिटी, गारों का शहर, केव बोलते हैं गार को। तो यहाँ पे लगभग 450 से 500 के करीब इस किस्म की गारें, कमरे बने हुए हैं। ये कब किसने बनाई, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अथेंटिक रिसोर्स किसी के पास कोई मौजूद नहीं है। तमाम कमरों तक पहुंच नहीं है। वक्त के साथ साथ, बारिशों और तूफानों के साथ साथ ऑलमोस्ट रास्ता कईयों तक है, कईयों तक नहीं, लेकिन ये इस तरह कमरे बने हुए हैं। हो सकता है आप में से बहुत से देखने वाले हैरान हों, परेशान हों कि ये पाकिस्तानी है। जी भाईजान, ये डिस्ट्रिक्ट लिस्बेला बलोचिस्तान के अंदर सिर्फ आपको 7 से 8 किलोमीटर कच्चे रोड के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ती है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। कराची से कोटा जाए तो 165 किलोमीटर के बाद ये मोड़ आ जाता है, रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। मजीद ये कि हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट अगर यहाँ पे एकोमोडेशन देती है इन्हीं रूम्स को, जिस तरह खपलू फोर्ट, शिगर फोर्ट, उनको रेनोवेट करके वहां पे एक कमरा 15-15, 20-20 हजार, 35-35 हजार रुपए में रूम लगता है, तो यहाँ पे भी आपको उस किस्म का मुनाफा भी हो सकता है, पाकिस्तान की टूरिज्म को फायदा भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। मजीद मैं ये कहूंगा, ये पाकिस्तान का कैपेडोपिया है। अल्लाह हाफिज़।